बाबा को हार्ट अटैक हो गया था तो वो फौत हो गए। उनके जाने के बाद अम्मा भी कुछ ज्यादा देर रह नहीं पाई तो वो भी फौत हो गई। बस फिर मैं और शहरी हैं, मेरा छोटा भाई शहरी आ रहा है उसका नाम। बस वही मेरा बाप है, मेरा भाई, मैं ही उसकी माँ हूँ और बहन। मोहब्बतें बिगाड़ देती हैं और मोहब्बतों से बिगड़े कब सुधरते हैं। अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ। पर्सनल? आप पूछो। आपकी बीवी ने आपको क्यों छोड़ा? आप इतने अच्छे हैं, यू आर सो अंडरस्टैंडिंग, तो क्या सिर्फ वक्त ना देने की वजह से आप लोग अलहदा हो गए? वो मुनाफिक नहीं थी, शायद यही गलती थी उसकी। हमारे माशरे में कई शादीशुदा जोड़े जो हैं चंद सालों बाद अपनी चाम इस रिलेशनशिप की खो बैठते हैं, फिर वो मुनाफिकत से चलाते हैं उस रिलेशनशिप दिखावे के लिए। आर्यन की माँ शायद ये नहीं कर सकी, हमारी मोहब्बत को जंग लग गया था, मैं कह नहीं सका, लेकिन उसने कह दिया। मगर आपने तो कहा था आप लोगों की लव मैरिज थी। यस, हाफ लव मैरिज। मैंने अप्रोच किया था उसको, उसको सहारे की जरूरत थी तब। तो क्या लव मैरिज अपनी चाम नहीं खो सकता? क्या मोहब्बत को जंग नहीं लग सकता? मैं समझता हूं कि इंसानी जज्बों में सबसे नाजुक जज्बा जो है वो मोहब्बत का जज्बा है, और वक्त का जंग इस जज्बे को सबसे पहले खाता है। तो फिर इंसान ऐसा क्या करे कि रिश्तों को जंग ना लगे? मोहब्बत के जज्बे को वक्त की पॉलिश चाहिए। आप लम्हे लम्हे मोहब्बत की पॉलिश अपने रिलेशनशिप में करती रहनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को ये हुनर नहीं आता वो एक दूसरे को खो बैठते हैं। जैसे मैंने शैला को खो दिया क्योंकि मेरे पास मोहब्बत की पॉलिश नहीं थी।